ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें जनाब आज़म शाकिर। इंतखाब नहीं कर पा रहा था कि क्या पढ़ूं, लेकिन दो तीन शेर मुझे अपने याद आए, सुनाता हूँ। मुलाजा फरमा सुने। उससे मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू। बहुत अच्छे, वाह 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 आज़म साहब, वाह वाह। वो मेरे क्या रूबरू था, दिल जला डाले हमने सोचा था, दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, फिर ख्याल आया दिल में तू जी, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, हौसला भी। दोस्तों बाराबंकी में जब भी आया हूँ, हमेशा आता हूँ, हमेशा आप लोग बुलाते हैं और हमेशा आप उससे इसी तरह की गजलें सुनते हैं और मोहब्बतों से नवाजते हैं। आज भी इसी उम्मीद के साथ मैं आपको सुना रहा हूं कुछ शेर, एक गजल के तीन चार शेर और सुनाता हूं। अच्छा दोस्तों सुनिएगा, दोस्तों सुनिएगा, सुन ले समाप्त करना। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। गम ही काफी है जिंदगी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गम ही काफी है जिंदगी के लिए, अब सब लोग शरीक हों। गम ही काफी है जिंदगी के लिए, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए, हम तड़पते रहे उसी के लिए। और दोस्तों ये शेर पेश कर रहा हूँ खास तौर से, और मुझे यकीन है जहां जहां तक हजरात हैं सब शरीक होंगे। हम तड़पते रहे उसी के लिए, शेर सुनिएगा। जहर भी लग गया दवा बन, जहर भी लग गया दवा बनकर। अब ये देखिए ये शख्स यहां से आया और यहां घूम के यूं आके यहां बैठ गया। अब ये देखिए ये कितनी यार ये मुशायरा सुन रहे हो तुम, कमाल कर रहे हो। आज भाई जहर भी लग गया दवा बनकर, कमाल की चीज है यार, मसाला मुंह में रखे हुए और काम कर रहे हो अपना। शेर सुनाऊं मैं आपको, आप लोग ताली बजा दें यार थोड़ा सा। बैठ जाओ भाई बैठ जाओ प्लीज। हम तड़पते रहे उसी के लिए, सुनिएगा मौलाना। जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। बहुत अच्छे बाबा। हमने खाया था खुदकुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, उम्र भर जिसका इंतजार किया,
उम्र भर जिसका इंतजार किया वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए। बहुत अच्छे साहब, क्या गजल गुफ्तगु कर रही है तुम साहब, वाह वाह वाह। और दोस्तों, कोई भी इमारत एक दिन में नहीं बनती। वाह, मैंने इसी को शेर बनाया है, सुन ले। वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए, कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए। बहुत अच्छे बाबा। बस पानी में हलचल थी, क्या कहने। बस पानी में हलचल थी, बस पानी में हलचल थी, आँख से मछली ओझल थी, आँख से मछली ओझल थी। अब सुनिएगा, सुनो मेरी जान। आँख से मछली ओझल थी, रात बला की सर्दी में, रात बला की सर्दी में, रात बला की सर्दी में याद तुम्हारी कंबल थी, याद तुम्हारी कंबल थी, याद तुम्हारी। बहुत शुक्रिया। याद तुम्हारी कंबल थी, याद तुम्हारी कंबल थी, सारे लोग अधूरे थे, सारे लोग अधूरे थे, एक तस्वीर मुकम्मल थी, एक तस्वीर मुकम्मल थी। आखिर में तीन चार शेर सुना के मैं जाता हूं सुने। आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं, आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। और दोस्तों, जरा मेरी बात भी सुने। दोस्तों, इश्क भी अजीब तरह का होता है, जब पहली बार होता है तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाती है और उसकी अजीब कैफियत होती है। मैंने उसी को शेर बनाया सुने। आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं, इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं, क्या कहने? अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं। दोस्तों, दुनिया अभी डॉक्टर कुमार साहब कह रहे थे कि कवि सम्मेलन और मुशायरे, बड़ा अजीब सी, मतलब मुशायरों की खास तौर से हालत बता रहे थे कि बड़ी ख़राब सी हो गई है, कि हाँ सिर्फ फजाइल और मसाइल के अलावा मोहब्बत तो सुनना ही नहीं चाहते। तो मैं समझता हूँ एक शेर सुनाइए, मैंने इसी के आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं, अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग,
अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग, लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं। क्या कहने साहब, लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं दोस्तों, शायद याद रह जाए। आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। दोस्तों ये शेर सुने, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, क्या कहने, जिस